मुसलमानों, तुम्हारी औरतों में जो बदकारी का इर्तिकाब कर बैठी उन पर अपने लोगों में से 4 शख्सों की शहादत लो। अगर वो उनकी बदकारी की गवाही दें तो उन औरतों को घरों में बंद रखो यहां तक कि मौत उनका काम तमाम कर दे या अल्लाह उनके लिए कोई और सबील पैदा करे। और जो दो मर्द तुम में से बदकारी करें तो उनको ईजा दो, फिर अगर वो तौबा कर लें और नेकुकार हो जाएं तो उनका पीछा छोड़ दो। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। अल्लाह उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो नादानी से बुरी हरकत कर बैठते हैं फिर जल्द तौबा कर लेती हैं। बस ऐसे लोगों पर अल्लाह तवज्जो करता है और वो सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो सारी उम्र बुरे काम करते रहें यहां तक कि जब उनमें से किसी की मौत आ मौजूद हो तो उस वक्त कहने लगे कि अब मैं तौबा करता हूं। और न उनकी तौबा कबूल होती है जो कुफर की हालत में मरे। ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर लास्ट हमने जो डिस्कस किया था वो थायराइड ग्लैंड था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेनक्रियास। नाउ पेनक्रियास जो है ये अबाउट 6 इंचेस लॉन्ग है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये होता है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में। ये डुअल ग्लैंड है, इसके अंदर एक्सोक्राइन रोल भी है इसका और एंडोक्राइन रोल भी है। एक्सोक्राइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक ट्यूब मौजूद होती है जिससे पेनक्रियाटिक जूस आता है जो डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। और एंडोक्राइन इसलिए कहते हैं बिकॉज इसका कुछ पार्ट ऐसा है जो कि विदाउट डक्ट कुछ केमिकल्स रिलीज करता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो एंडोक्राइन पार्ट जो है वो कुछ सेल्स का ग्रुप है जिनको हम आईलेट्स ऑफ लैंगरेंस कहते हैं। ये ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म जो है उसको कंट्रोल करते हैं। तो हाई लेवल जब ग्लूकोज का होता है जो कि आफ्टर डाइट होता है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होती है तो ग्लूकोज ब्लड के अंदर आता है। तो हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज जब होता है तो इंसुलिन रिलीज होता है जिसका काम होता है ब्लड के ग्लूकोज को कम करना। और जब लो लेवल ऑफ ग्लूकोज होता है तो ग्लूकागॉन सीक्रेट होता है इसमें से और उसका काम होता है इंक्रीज करना ब्लड के ग्लूकोज को ताकि वो नॉर्मल पे आ जाए। तो ये जो रेगुलेशन है ब्लड ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन की ये इन दोनों से होती है और ये एक नेगेटिव फीडबैक के जरिए होती है। फीडबैक हमने होम्योस्टेसिस के अंदर भी देखा था कि ये वो मैकेनिज्म होता है जिससे बॉडी डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करती है। तो फीडबैक की दो टाइप्स होती हैं, एक पॉजिटिव अगर सेम डायरेक्शन के अंदर पहला इफेक्ट जैसा आया था अगर वैसा ही उसको इंक्रीज किया जाए तो वो पॉजिटिव फीडबैक होता है और अगर इसके अपोजिट में काम किया जाए तो नेगेटिव है। तो इस सिनेरियो के अंदर नेगेटिव फीडबैक इस्तेमाल होता है जो कि अपोजिट होता है, जो इफेक्ट होता है वो अपोजिट होता है स्टिमुलस से। तो स्टिमुलस क्या था, आपने देखा हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का बढ़ना जो है ये स्टिमुलस है, ठीक है। इसके नतीजे में इंसुलिन रिलीज हुआ और इंसुलिन का जो इफेक्ट है वो ये है कि ये ग्लूकोज का लेवल कम करवाता है, तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर काम हो रहा है, तो इसे हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। तो यूजुअली बॉडी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक से कंट्रोल होते हैं। सो नाउ दिस इज द इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है जिसको आप ड्यूडेनम कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। दिस इज द स्प्लीन, ये लेफ्ट साइड के ऊपर स्ट्रक्चर है, तो ये स्प्लीन है और इधर ही स्टमक मौजूद होगा, इनके दरमियान में यहाँ पर ये लीफ शेप जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड द पेनक्रियास। और पेनक्रियास से एक डक्ट निकल रही है जो कि पेनक्रियाटिक डक्ट कहलाती है। तो ये इसका एक्सोक्राइन पोर्शन है और बीच बीच में कुछ एरियाज जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो एरियाज नज़र आ रहे हैं ग्रुप सेल्स, सेल्स के ग्रुप नज़र आ रहे हैं जिसको बड़ा करके दिखाया हुआ है, ये पेनक्रियाटिक सेल्स पेनक्रियाटिक आइलेट्स हैं, यानी आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस कहते हैं। तो इसमें अल्फा सेल्स हैं ये रिलीज करते हैं ग्लूकागॉन, ठीक है, और बीटा सेल्स हैं ये रिलीज करते हैं इंसुलिन। तो ये वाला जो ग्रुप है सेंटर में ये आइलेट ऑफ लैंगरेन है और इसके बराबर में जितना भी इसके सराउंडिंग में जितना भी एरिया है वो एक्सोक्राइन रीजन है जो एंजाइम्स बनाता है जो कि एड करते हैं, जो हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर, ठीक है जी। इसके अलावा ये आर्टरीज वगैरह दी हुई है यहाँ पे, ये स्पेनिक आर्टरी है जो स्प्लीन को सप्लाई करती है। ये हमारे पास ये आ रही है गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट और ये दोनों मिलके ड्यूडेनम के अंदर ओपन होती हैं। यहाँ पे बाइल जो है वो रिलीज़ किया जाता है और यहीं पर पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ किया जाता है ताकि फर्दर डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो सके। अच्छा जी, डायबिटीज़ मेलाइटिस ये पेनक्रियास से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। तो ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर पेनक्रियास जो है वो या तो इनसफिशियंट कम अमाउंट जो है वो इंसुलिन का प्रोड्यूस करते हैं या फिर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करते। दो तरह का डायबिटीज़ होता है, एक टाइप 1 होता है, टाइप 1 के अंदर जो है वो नो इंसुलिन है, ठीक है, नो इंसुलिन ये वाला जो है ये टाइप 1 है, इसके अंदर इंसुलिन होता ही नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हमारा अपना इम्यून सिस्टम उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो टाइप 2 है उसके अंदर शुरू में इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनती है और उसके बाद फिर इंसफिशियंट हो जाती है, कम हो जाती है। अब होगा ये कि जब इंसुलिन नहीं होगी तो ग्लूकोज का जो लेवल है वो हाई हो जाएगा बहुत ज़्यादा।
अब ये हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है ये यूरिन के अंदर जाता है, क्योंकि किडनी जो है हमने देखा था कि किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का पहला पोर्शन था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब होता है। तो इसकी एक लिमिट है कितने मॉलिक्यूल्स जो है ये रीअब्सॉर्ब कर सकता है। तो नॉर्मली जितना भी ग्लूकोज जाता है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, लेकिन डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर इतना ज़्यादा ग्लूकोज जाता है कि इसकी लिमिट जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये बाकी ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाता, तो फिर वो सारा यूरिन में चला जाता है, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो बार बार प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से बॉडी से वाटर का लॉस होता है। और फिर जब बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी तो जो वाटर पोटेंशियल है हमारे ब्लड का वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि वाटर कम हो गया। और फिर इसकी वजह से कौन स्टिमुलेट होगा, इसकी वजह से ADH रिलीज़ होगा जो कि हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। और ये आकर जो है ये वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करवाने की कोशिश करेगा, और इसके अलावा थर्स्ट जो है जो हाइपोथैलेमस है वो स्टिमुलेट होगा और उसके अंदर थर्स्ट का एहसास होगा, तो बार बार जो है वो प्यास लगती है। इसके अलावा हंगर भी इसके अंदर होता है, बहुत ज़्यादा भूख जो है वो इसके अंदर लगती है। हाँ, जब आपके पास ग्लूकोज स्टोर नहीं होता तो पेशेंट जो है वो वेट लूज़ करते हैं, बिकॉज बॉडी जो है वो प्रोटीन को भी तोड़ती है, फैट्स भी टूटते हैं, प्रोटीन भी टूटते हैं, एंड पेशेंट जो है वो टायर्ड रहता है, फटीग रहता है, जल्दी थकावट हो जाती है। तो ये कुछ डाइटरी मैनेजमेंट है, किस किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। अब जो टाइप वन जो है उसके अंदर तो इंसुलिन देते हैं क्योंकि इंसुलिन नहीं है, जबकि टाइप टू के अंदर जो है वो कुछ मेडिकेशंस होती हैं और कुछ ये हमारे पास तरीके होते हैं, जैसे कि बैलेंस डाइट है, इसके अलावा एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो जो आपका मसल है उसके अंदर ग्लूकोज को दाखिल करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती। जब मसल रेस्ट कर रहा होता है तो ग्लूकोज को एंटर करवाने के लिए सेल में, मसल में ग्लूकोज को एंटर करवाने के लिए इंसुलिन चाहिए होता है, लेकिन जब जैसे ही मसल काम करने लगता है तो ग्लूकोज खुद ब खुद एंटर होता है। कुछ मेडिकेशंस और बाकी ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग होती है, चेक किया जाता है कि किस वक्त कितना ग्लूकोज, उसके हिसाब से इंसुलिन भी दी जाती है, उसके हिसाब से मेडिकेशंस भी यूज़ की जाती हैं। बाकी डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर क्या है भाई, तो आपकी डाइट जो है उसको बैलेंस करना होता है, कार्बोहाइड्रेट कौन से लेने हैं आपने, कौन से नहीं लेने, कितना अमाउंट लेना है वो देखना होता है। फिर इसके अलावा अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि मैंने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी से ये होता है, एक तो वेट लूज़ करवाना होता है, बिकॉज जो फैटी टिश्यूज़ हैं उनके अंदर ग्लूकोज को एंटर करवाने के लिए इंसुलिन चाहिए होता है, तो आपको फैट लूज़ करवाना होता है, वेट लूज़ करवाना होता है। और इसके अलावा अगर ओबीस पेशेंट है तो वेट लूज़ करवाना होता है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी से वही काम होता है, एक्सरसाइजिंग मसल जो है उसको ग्लूकोज उसको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, बैलेंस डाइट है विद अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड। इसके अलावा 3 low 1 high प्रिंसिपल क्या है भाई, लो फैट जो डाइट है उसके अंदर लो फैट होना चाहिए, लो सोडियम होना चाहिए, बिकॉज सोडियम जो है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवाता है। और इसके अलावा लो शुगर जो है वो होनी चाहिए, फाइबर जो है वो हाई होनी चाहिए, तो ये आपकी डाइट के अंदर होना चाहिए। रिड्यूस इनटेक होना चाहिए सैचुरेटेड फैट का, ट्रांस फैट का, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट होती हैं इन सोडियम, क्योंकि हार्ट डिजीज़ जो हैं और हाइपरटेंशन, तो ये डायबिटीज़ के साथ साथ चलती है, हार्ट डिजीज़ भी और हाइपरटेंशन भी, यानी हाई ब्लड प्रेशर, तो इनसे बचने के लिए ये डाइटरी मैनेजमेंट है। और दूसरा कंट्रोलिंग द इनटेक ऑफ एनर्जी, तो कैलोरी इनटेक जो है उसको आपको काउंट करना होगा ताकि वेट रिडक्शन की जा सके, ठीक है। आप कितना इनटेक कर रहे हैं, उसके अलावा आपकी आपका जो आउटपुट है वो कितना है, यूटिलाइज कितना हो रहा है, तो ये सारा चार्टिंग होती है जिसकी मदद से वेट लूज़ करने में हेल्प मिलती है। अच्छा, इन केस ऑफ लो ब्लड इंसुलिन इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड, तो इंसुलिन जो है वो इंजेक्शन के तौर पे आती है, जो कि प्रीवियसली ड्राइव की जाती थी एनिमल से, अब जो है वो उससे बनाई जाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाई जाती है। इंसानों का DNA जो है वो निकाल कर बैक्टीरिया के अंदर लगा देते हैं, बैक्टीरिया के DNA के अंदर उसका DNA लगा देते हैं, तो बैक्टीरिया उसकी जो है वो मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है, वो प्रोड्यूस करके देता है, ठीक है। तो हाँ, तो यही मेंशन किया हुआ है कि कुछ लोगों को, कुछ इंसानों के अंदर चूँकि एनिमल मेड इंसुलिन जो थी उससे एलर्जी होती थी, तो अब जेनेटिकली ऑल्टर्ड बैक्टीरिया होता है उससे ये बनाई जाती है। नाउ दीज आर सम फूड फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज़, तो यूजुअली लोग पूछते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो खाई जा सकती हैं, तो ये एक लिस्ट है कि जो चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा इंटरनेट के ऊपर अगर आप सर्च करें तो डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें अलाउड होती हैं वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये क्या, ये ब्लड ग्लूकोज चार्ट है, ये यूनिट है इसका कि मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, पर 100 ml कितना होना चाहिए। तो नॉर्मल जो है हमारे पास जब हम कुछ खा नहीं रहे होते तो 80-100 होता है, ठीक है, ये एवरेज है, यानी अगर आपने अभी खाया हुआ नहीं है तो इस वक्त अगर आप देखें तो 80-100 mg पर डेसीलीटर आपका बॉडी मेंटेन करके रखती है इस लेवल के ऊपर। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद जो है वो तकरीबन 170-200 हो जाता है, क्योंकि डाइजेशन होती है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होती है, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ के तकरीबन डबल हो गया,
एंड देन आफ्टर 2 to 3 आवर्स जो है ये वापस नीचे आना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी स्टोर करने लगती है उसे, ग्लूकोज को सेल्स के अंदर एंटर करवा देती है, तो लेवल जो है वो कम होते होते फिर जब फास्टिंग लेवल हो जाएगा, यानी जब आप खाना नहीं खा रहे होंगे, तो उस कंडीशन के अंदर 80 to 100 जो है ये एवरेज रहता है। अच्छा, अब टेस्ट होता है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाया जाता है, तो अगर किसी का 100 से लेकर 125 के दरमियान में आ रहा है तो इसको हम कहते हैं बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन का मतलब यह है कि अब इनके चांसेस हैं कि ये डायबिटीज़ की तरफ जा सकते हैं, तो इसको हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज टेस्ट कहते हैं, यानी ये ग्लूकोज टेस्ट नॉर्मल नहीं है। तो फास्टिंग लेवल ये हो अगर, ठीक है, खाने के बाद लेवल ये आ जाए, या फिर आफ्टर 2 to 3 आवर्स जो है वो लेवल ये हो, तो ये तीनों में से किसी भी वक्त आप टेस्ट कर लें, और अगर ये वैल्यूज आ रही हैं इसका मतलब आपका जो टेस्ट आया है वो इम्पेयर्ड है, यानी आप बॉर्डर लाइन के ऊपर हैं, आप जा सकते हैं डायबिटीज़ की तरफ, तो आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। और अगर किसी का 126 से ज़्यादा आ जाए फास्टिंग लेवल के ऊपर, आफ्टर ईटिंग 220 से लेकर 300 के करीब आ जाए, इस रेंज के अंदर आ जाए, और 2 to 3 आवर्स के बाद 200 प्लस आ जाए, तो कन्फर्म है कि उसको डायबिटीज़ है। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जो कि प्रीवियस 3 मंथ्स का डायबिटिक कंट्रोल बताता है, वो होता है HbA1c। HbA1c जो है ये, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर ग्लूकोज जो है वो कितना लगा हुआ है, तो जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होता है तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज चिपक जाता है, तो ये बताता है कि पिछले 3 महीनों के अंदर बॉडी किस तरह से ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल कर रही थी। तो ये भी एक टेस्ट होता है जो कि यूजुअली करवाया जाता है किसी के अंदर डायबिटिक कंट्रोल देखने के लिए। अच्छा जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर ग्लैंड जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है ये किडनी के ऊपर मौजूद होता है, इसीलिए इसे सुपरा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, सुपरा रीनल। ठीक है, ट्राइंगुलर शेप का होता है, ये इस तरह का होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक आउटर पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और एक इसका इनर पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एड्रिनल मेडुला। तो कॉर्टेक्स जो है उससे कुछ हार्मोन्स आते हैं जो कि स्टेरॉइड होते हैं। स्टेरॉइड जो है ये लिपिड की वैरायटी होती है। लिपिड्स जो हैं ये एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो फ़र्क ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो जिसके अंदर, इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, तो उतने ही ऑक्सीजन होते हैं, और उसके डबल हाइड्रोजन होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जितने कार्बन होते हैं आमतौर पर उतने ही आपको वो नज़र आते हैं, ऑक्सीजन नज़र आते हैं। तो लिपिड्स के अंदर ऐसा नहीं होता, लिपिड्स के अंदर कार्बन जो है बहुत ज़्यादा होते हैं जबकि ऑक्सीजन का नंबर बहुत कम होता है। इसके अलावा लिपिड्स जो हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, तो ये लिपिड की डेफिनेशन होती है। तो लिपिड्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, उसमें एक टाइप जो है वो स्टेरॉइड्स होते हैं। तो ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो इस कैटेगरी के होते हैं, स्टेरॉइड्स कहलाते हैं वो। ये इंपॉर्टेंट है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए, वाटर एंड सॉल्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल कॉर्टेक्स से आता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। जब बॉडी के अंदर कोई इलनेस होती है, कोई इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसके अंदर ये रिलीज़ होता है। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, स्ट्रेस के अंदर ये रिलीज़ होता है, और बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, तक क्योंकि बॉडी को ज़रूरत होती है। इन्फ्लेमेशन को ये कम करता है, पेन को ये कम करता है, ठीक है, ग्लूकोज प्रोडक्शन ये करवाता है। एक तो ग्लूकोज जो स्टोर है वो भी निकलवा के लाता है, दूसरा ग्लूकोज बनवाता भी है, तो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं उनको कन्वर्ट करवाता है ये ग्लूकोज के अंदर। मेडुला जो है, एड्रिनल मेडुला, ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर एक्टिवेट होता है, जिनको हम फाइट और फ्लाइट रिस्पांस कहते हैं, ठीक है, कोई डेंजरस सिचुएशन है तो उसके अंदर इससे एड्रिनलिन निकलता है, इसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। एड्रिनलिन जो है ये हमारे एक तरह के सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक, ठीक है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो जब एक्टिवेट होता है तब ये एड्रिनलिन जो है वो रिलीज होता है। और ये एड्रिनलिन जो है इसके मल्टीपल फंक्शंस हैं, ये भी ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करवाता है ग्लाइकोजन को तोड़वा के। इसके अलावा ये मसल्स की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ाता है, हमारा हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज करवाता है, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज करवाता है, ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस जो हैं उन्हें रिस्पॉन्स किया जा सके। इसके अलावा मैंने आई के अंदर बताया था कि ये आई का जो पीपल है उसे डायलेट भी करवाता है, ताकि जो लाइट है वो प्रॉपरली एंटर हो सके। इसके अलावा मसल्स हार्ट और ब्रेन, इन तक जाने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करवाता है ये। इसके अलावा कंस्ट्रिक्ट करता है उनको जो किडनीज की तरफ जा रही है, क्योंकि इस वक्त किडनी को ब्लड की ज़रूरत नहीं है, स्किन को ब्लड की ज़रूरत नहीं है। किसको ज़रूरत है? मसल्स को ज़रूरत है, हार्ट को ज़रूरत है, ब्रेन को ज़रूरत है। इसके अलावा हार्ट रेट बढ़ाना, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना, आइज़ की पीपल जो है उसका साइज़ जो है ये इंक्रीज़ करवाता है। तो ये तमाम काम जो है ये कॉर्टेक्स का, सॉरी मेडुला का हार्मोन करता है, जिसका नाम है एपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन। इसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और इसको एड्रिनलिन भी कहते हैं। तो ये किडनी है, किडनी के ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड्स है, और ये काट के दिखाया हुआ ये कॉर्टेक्स है और ये मेडुला है। कॉर्टेक्स के अंदर 3 हिस्से होते हैं,
सबसे आउटर रीजन जो है आपका वो जोना ग्लोमेरुलोजा होता है, ये वाला रीजन जो है ये जोना ग्लोमेरुलोजा है, यहाँ से निकलता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो है ये वो हार्मोन है जो कि नेफ्रॉन के ऊपर जाके सोडियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन के अंदर एल्डोस्टेरॉन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फेसिकुलाटा ये सेकेंड रीजन होता है ये वाला, यहाँ से कॉर्टिसोल आता है, और रेटिकुलरिस जो है ये सबसे अंदर वाला रीजन होता है, यहाँ से आता है, यहाँ से एक तरह के हॉर्मोन्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंड्रोजन्स, ठीक है। और ये कॉर्टेक्स ही वो एरिया होता है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन आ रहा था ACTH, तो ACTH जो है वो आकर इस कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है, मेडुला को कंट्रोल नहीं करता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गोनेड्स। गोनेड्स हैं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल के अंदर जो गोनेड्स हैं उन्हें टेस्टिस कहते हैं, जबकि फीमेल्स के अंदर जो गोनेड्स हैं उन्हें ओवरीज कहते हैं। इनका काम गैमेट फॉर्मेशन होता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ टेस्टिस जो है ये ओवल शेप स्ट्रक्चर होते हैं, मेल के अंदर मौजूद होते हैं, एक पाउच होता है स्किन का जिसको हम स्क्रॉटम कहते हैं, और ये बॉडी के बाहर होते हैं। इट सीक्रेट्स अ हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरॉन का नाम देते हैं। एंड्रोजन जो है ये मल्टीपल होते हैं, कुछ एंड्रोजन जो हैं वो मैंने बताया कि एड्रेनल ग्लैंड से आ रहे हैं, ये एक टाइप के हार्मोन्स होते हैं एड्रेनल ग्लैंड, तो उन्हीं की तरह का एक हार्मोन मेल के अंदर टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है। टेस्टिस जो है इनकी इनका इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो ये है कि कुछ कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो अपेयर करवाना जो है ये जिम्मेदारी होती है टेस्टोस्टेरॉन की। उसमें मस्टैच है, ठीक है, मूछें हैं, बियर्ड है, दाढ़ी है, इसके अलावा डीपनिंग ऑफ वॉइस है, आवाज़ का भारी होना है, मसल बल्क है, मसल्स जो है वो बढ़ जाते हैं। तो एक एज के बाद आके लड़कों में और लड़कियों में कुछ चेंजेस आना शुरू होते हैं, उनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। वो मेल में डिफरेंट होते हैं, फीमेल में डिफरेंट होते हैं, तो मेल में जो जिम्मेदारी होती है वो टेस्टोस्टेरॉन की भी होती है, और वो एड्रेनल ग्लैंड से जो एंड्रोजन्स आते हैं उनकी भी होती है। ये मिलकर जो है ये सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप करवाते हैं। देन फीमेल के अंदर है ओवरीज। ओवरीज जो है ये साइज ऑफ अ ग्रेप लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी, तो लोअर एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद है ऑन आइदर साइड ऑफ द यूट्रस। तो यूट्रस सेंटर में मौजूद होता है, उससे निकल रही होती है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब जहाँ पर एंड होती है, ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब जहाँ पर एंड होती है वहाँ पर ओवरीज जो है वो मौजूद होते हैं। ओवरीज जो है ये ओवम बनाने के अलावा, अच्छा जो स्पर्म बनाना है, टेस्टिस स्पर्म बनाते हैं, तो स्पर्म बनाना जो है इनका एंडोक्राइन फंक्शन ही, इनका एंडोक्राइन फंक्शन है टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करना। बिल्कुल इसी तरह ओवरीज जो है ये ओवम तो बनाती है, बट इसके अलावा जो इनका एंडोक्राइन फंक्शन है वो है दो हार्मोन प्रोड्यूस करना, एक एस्ट्रोजन है और एक प्रोजेस्टेरॉन है। एस्ट्रोजन जो है जिस तरह मेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन करवा रहा था सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप, तो फीमेल्स के अंदर जो एस्ट्रोजन है वो डेवलप करवाता है, सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप करवाता है, जिसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट का साइज एनलार्ज होना, इसके अलावा शार्पनिंग ऑफ वॉइस है, वॉइस जो है वो बारीक होती है, तो ये है। दूसरा प्रोजेस्टेरॉन जो है ये मेंटेन करता है यूट्रस को फॉर प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के अंदर दोनों रोल हार्मोन जो है वो रोल प्ले करते हैं। एस्ट्रोजन भी रोल प्ले करता है, ये भी यूट्रस को इस काबिल बनाता है कि यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो सके, और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो भी इस काबिल बनाता है, तो दोनों का रोल जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर होता है। फीडबैक कंट्रोल की अगर हम बात करें तो फीडबैक एक ज़रिया है जिसके ज़रिए हार्मोन हार्मोन्स की जो सीक्रेशन है उसे कंट्रोल किया जाता है, ताकि तब तक सीक्रेशन हो जब तक उसकी ज़रूरत है, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए, जब फंक्शन परफॉर्म हो जाए, जब काम हो जाए पूरा, तो फिर इसकी ज़रूरत ना रहे, फिर जो है वो बिला ज़रूरत वो सीक्रेट ना हो रहा हो। दो तरह का फीडबैक होता है, एक हमारे पास नेगेटिव फीडबैक है, एक पॉजिटिव फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक आमतौर पर अप्लाई होता है, इसमें होता यह है कि अगर स्टिमुलस इस डायरेक्शन के अंदर है तो इफेक्ट जो है वो दूसरी डायरेक्शन के अंदर होता है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो एग्जाम्पल में मैंने देखा था, ब्लड ग्लूकोज अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो पेनक्रियाज से इंसुलिन आता है और इंसुलिन इस ग्लूकोज को नीचे लेकर आता है, तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर काम हो रहा है। पॉजिटिव फीडबैक की भी एग्जाम्पल है हमारे पास, इसके अंदर जिस डायरेक्शन के अंदर स्टिमुलस गया था उसी डायरेक्शन के अंदर इफेक्ट आता है, ठीक है। तो इन्फेंट की अगर हम बात करें तो जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो काट दी जाती है, तो अब बेबी का मदर के साथ जो कनेक्शन था वो कट हो गया, तो अब वो फीड करता है मिल्क के ऊपर, तो जब वो सक करता है निपल को तो मदर के ब्रेस्ट से जो है वो मिल्क आना शुरू होता है। ये मैंने बताया था कि ये एक हार्मोन की जिम्मेदारी होती है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है ये मोर एंड मोर रिलीज होता है, पहले भी रिलीज़ होता था, फर्दर रिलीज़ होता है, मोर रिलीज़ होता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है ताकि ये मिल्क को सीक्रेट करवा सके।
ठीक है, तो कंटिन्यूस सकिंग से जो है वो इंक्रीज होती है हार्मोनल सिक्रीशन, बढ़ती जाती है हार्मोनल सिक्रीशन, जिसकी वजह से ये फ्लो बढ़ता रहता है। तो ये पॉजिटिव की एग्जांपल में आता है ना। ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो ये हमारे पास दो डिसऑर्डर आई थिंक दिए गए। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम के डिसऑर्डर इन्होंने नहीं दिए, खाली नर्वस सिस्टम जो है उसके डिसऑर्डर दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं। नाउ किसी भी सिस्टम की तरह नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। हमारे पास दो तरह के हैं, एक वैस्कुलर है जिनका ताल्लुक ब्लड वेसल से रिलेटेड होगा, उसकी एग्जांपल में पैरालिसिस है, और एक फंक्शनल है जो कि ब्रेन के किसी ब्रेन के मटेरियल से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो फंक्शनल है। तो ये हमारे पास एपिलेप्सी है ना। पैरालिसिस की अगर हम बात करें तो वो पार्शल भी हो सकता है, कोई बॉडी का एक पार्ट जो है वो काम करना बंद कर दे, या कंप्लीट लॉस भी हो सकता है। अच्छा, पार्शल उस सेंस में, पार्शल का मतलब यह है कि सारा फंक्शन लॉस ना हो किसी एक पार्ट का, थोड़ा बहुत फंक्शन लॉस हो जाए, और कंप्लीट लॉस भी हो सकता है किसी भी मूवमेंट का। और ये होता इसलिए है क्योंकि आपका जो भी कोई मसल है वो काम नहीं कर पा रहा होता, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता। इट मे बी अकॉम्पनीड बाय लॉस ऑफ सेंसेशन। कई बार ऐसा होता है कि लेकिन डिपेंड करता है हमारे पास जो सेंसेशन जा रही होती है, जैसे कि टच है, ठीक है, या फिर प्रेशर है, या फिर टेम्परेचर है, तो ये सारी चीज़ें जा रही होती हैं कौन से न्यूरॉन से, ये सारी चीज़ें जा रही होती हैं सेंसरी न्यूरॉन लेकर जा रहे होते हैं, और जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मैसेज आता है वो ला रहा होता है मोटर न्यूरॉन। तो अगर तो खाली मोटर न्यूरॉन जो है वो डैमेज हुआ है तो इस सिनेरियो के अंदर मसल अपना काम नहीं कर सकेगा, तो आप हाथ नहीं उठा सकेंगे फॉर एग्जाम्पल, या पैर से चल नहीं सकेंगे। लेकिन अगर कोई हाथ पर टच करे या फिर पैर पर टच करे तो आपको महसूस होगा, तो इस वक्त सेंसेशन जो है आपकी इंटैक्ट है। लेकिन अगर सेंसरी न्यूरॉन जो जा रहे थे वो भी डैमेज हो गए, ठीक है, वो भी अपना काम नहीं कर पा रहे, तो फिर सेंसेशन भी चली जाएगी, ना तो टच फील होगा, ना टेम्परेचर फील होगा, और ना उस हाथ या पैर से कोई काम किया जा सकता ना। मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो या तो ब्लीडिंग होती है, ठीक है, हेमरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गई, तो ब्लड जो है वो प्रॉपरली मिल नहीं रहा किसी एरिया को, जब ब्लड किसी एरिया को मिल नहीं रहा तो वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर सकेगा, या फिर ब्लड क्लॉट होता है, तो या तो खून बह गया जिसकी वजह से खून की कमी हो गई, या फिर जो वेसल सप्लाई कर रही थी, जैसे कि ये सप्लाई कर रही है, ये ब्रेन का पार्ट है कोई, तो यहाँ पर अगर क्लॉट आ गया तो ये ब्लॉक हो गया, जब ये ब्लॉक हो गया तो यहाँ से ब्लड जो है वो इस ऑर्गन तक नहीं जा रहा, इस पार्ट तक नहीं जा रहा, तो इसका जो भी फंक्शन था, ये जिस भी बॉडी के पार्ट को कंट्रोल कर रहा था वो नहीं कर सकेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इट कैन बी रिजल्ट ऑफ इट कुड बी रिजल्ट ऑफ इंजरी टू द ब्रेन। तो जो एक्सीडेंट्स होते हैं, उनके अंदर ब्लड का तो मसला नहीं होता, ठीक है, हैमरेज हो सकता है, लेकिन उसके अलावा डायरेक्टली ब्रेन के किसी पार्ट को अगर इंजरी हो गई तो उससे जो भी काम हो रहा था वो नहीं हो सकेगा। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी से हो सकता है, या फिर नर्व की इंजरी से हो सकता है। अब एक नर्व जो कि आके मेरे फेस के मसल को सप्लाई करिए, ठीक है, ये ब्रेन है हमारे पास और ये फेस का कोई मसल है, तो यहाँ से एक नर्व निकल कर आ रही है जो कि इसको सप्लाई करिए, ठीक है, ब्रेन को कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर इसको मैं काट दूँ तो ये मसल अपना काम नहीं कर सकेगा। तो देयर आर डिफरेंट रीजंस, इसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है, और पैरालिसिस जो है वो विदाउट लॉस ऑफ सेंसेशन भी हो सकता है और विद सेंसेशन भी हो सकता है। हाँ, ये तब ट्रीट किया जा सकता है अगर आपको एग्जैक्ट कॉज पता हो, ठीक है, तो जब कॉज ट्रीट कर देंगे आप तो पैरालिसिस जो है वो चला जाएगा। फिजियोथेरेपी जो है वो करवाई जाती है जो ताकि जो मसल है वो दोबारा से अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, तो कई बार रिकवर हो जाता है, कई बार रिकवर नहीं हो पाता। तो ये है पैरालिसिस, जिसको फालिज कहते हैं उर्दू में। नाउ द लास्ट वन इज एपिलेप्सी। एपिलेप्सी ब्रेन डिसऑर्डर है जिसके अंदर टेम्परेरी ऑल्ट्रेशन होती है किसी एक फंक्शन के अंदर, एक या एक से ज़्यादा फंक्शन के अंदर, या फिर इसे हम कहते हैं रिकरेंट सीजर्स, बार बार का झटका लगना जो है, जिसको मिर्गी कहते हैं उर्दू में, तो बार बार का झटका लगना जो है इसे एपिलेप्सी कहते हैं। तो होता यह है कि ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जाहिर है ब्रेन के अंदर से इलेक्ट्रिकल मैसेज आता है तो आपका मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब एपिलेप्सी के अंदर ये मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब बार बार यहाँ से मैसेज आ रहा है। नॉर्मली ऐसा होता है कि मैसेज आता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर मैसेज आना बंद हो जाता है, तो फिर ये रिलैक्स करता है मसल। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर कि जो रिलैक्स वाला मैसेज है ये नहीं आ पा रहा, बार 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 ब्रेन का जो एक पार्ट है वो एक्टिवेट हो रहा है और वो मसलसल कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज दे रहा है, तो इसको हम एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहते हैं। तो कई बार ये बिना किसी वजह के होता है, और कई बार इसके लिए कोई ना कोई रीज़न होता है। इसको स्टिमुलेट भी किया जा सकता है, लाइक कुछ लोगों को सडन फ्लैश लाइट अगर दिखाई जाए उनकी आंखों में तो उनको एपिलेप्सी होने लगता है, झटका आने लगता है। कुछ लोगों को कोई और रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से, कोई साउंड हो सकता है जिसकी वजह से ये एपिलेप्सी का जो है वो अटैक आ जाए। इसके अलावा एक टाइप होती है कि जिसके अंदर पेशेंट जो है वो बेहोश नहीं होता, और एक तरह से ये होता है कि पेशेंट जो है वो बेहोश हो जाता है ड्यूरिंग द एपिलेप्सी, उसके बाद जो है वो पेशेंट को होश नहीं होता।
फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजर्स जो है, अब इसमें डिपेंडिंग ऑन द कॉज ये भी कॉज हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से ये सीजर्स आ रहे हो, झटके आ रहे हो। ये भी हो सकता है कि कोई ट्यूमर हो, एबनॉर्मल मास हो, ठीक है, जिस जो कि प्रेस कर रहा हो किसी एक ब्रेन के पार्ट को, उसकी वजह से एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही हो। तो डिपेंड करता है रीज़न के ऊपर, फिर उसे ट्रीट किया जाता है। बट कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि इन सीजर्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं, को कम करती हैं, तो इन्हें एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस कहते हैं। इससे ये होता है कि एक्टिविटी जो है उस ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी जो है उसे कम किया जाता है, उसे डिप्रेस किया जाता है ताकि ये झटके ना आए, सीजर्स ना आए। सो दिस इज इट, यहाँ पर ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। इसके बाद बस एक एमसीक्यू की वीडियो है।